नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के गट्ठे की सब्जी। आज सब्जी बनाने के लिए मैंने बेसन यहाँ निकाल के रख लिया ना, और अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ी सी जीरा, धनिया और अजवाइन, सौंफ जिसे मैंने थोड़ा दरदरा करके रखा हुआ है, इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी कश्मीरी मिर्च, फिर थोड़ा मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो मैं यूज कर रही हूँ। मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, आप इसमें घी भी यूज कर सकते हैं। लगभग 2-3 चम्मच मैंने रिफाइंड डाल दिया है इसमें, और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे तरीके से आपको मिला लेना है पहले। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। जब इसमें पानी डालें तो आप ज़्यादा पानी ना डालें, बस थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। इसमें पानी ऐड कर लें, जब ये इस तरीके से इसका डो तैयार हो जाए, इसके बाद इसे आपको लगभग 5 मिनट तक इसे इस तरीके से मसल मसल कर तैयार करना है। जितना आप देख सकते हैं, इसे मैंने घूट के तैयार कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैं इसे इसकी छोटी छोटी लोई में काट ले रही हूँ, और लोई काट करके इसे इस तरीके से लंबी शेप में इसे तैयार कर लेना है। आप इस तरीके से इसे लंबी लंबी शेप में तैयार कर लें। और आज मैं ये रेसिपी बिल्कुल दादी नानी वाली स्टाइल में मटके में बनाने वाली हूँ। मिट्टी के बर्तन में मैं बना रही हूँ उस सब्जी को। आप भी इस तरीके से इस सब्जी को मिट्टी के बर्तन में बना के एक बार जरूर खाएं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरीके से, और ये हेल्दी भी हो जाती है। तो मैंने इस तरीके से सारे लोइयों को काट के मैंने इसे तैयार कर लिया है, और मैंने गैस से पहले से ही पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसे गर्म पानी में डाल दूँगी बॉईल करने के लिए। इस तरीके से आपको सारी लोई को पानी में डाल देना है, और जब ये बॉईल करके तैयार होंगे तब तक मैं इनके मसाले में तैयार कर ले रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 इंच लगभग अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, इन सारी चीज़ों को डाल के मैं इसका पेस्ट बनाने वाला हूँ। सारे गट्ठे तैर कर ऊपर आ चुके हैं, गट्ठे सारे पक गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप देखिए गट्ठे सारे पक के बिल्कुल डबल हो चुके हैं, वो फूल गए हैं, फूल के डबल हो चुके हैं। इस तरीके से मैं गट्ठों को निकाल लूँगी। मैंने जो मसाले रखे थे, मैंने सारे मसाले को मैंने पीस लिया है, इसके मैंने इसका पेस्ट तैयार करके रख लिया है। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। हमारा मटका गर्म हो चुका है, मैं तेल डाल के इसमें बस प्याज फ्राई करने वाली हूँ। इस तरीके से आप प्याज इसमें डाल दूँगी मैं। प्याज को भी हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें से प्याज निकाल ले रही हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, और इसे मैं अब ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसका भी हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। मैं सारा प्याज को निकाल ले रही हूँ। जब तक प्याज ठंडा होगा तब तक मैं इसमें मसाला इसी में मैं रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला, और मैं अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 तेज़पत्ता लिया हुआ है, 1 सूखी लाल मिर्च,
एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दो लौंग, एक दालचीनी, दो हरी मिर्च, सारे चीजों को डाल के हमें अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा जीरा, एक पिंच हींग, सारी चीजें को डालकर अच्छे तरीके से मिला लेना है। ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं ये मसाला जो मैंने इसका पेस्ट तैयार करके रखा था वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जब तक मसाला पक रहा तब तक मैंने जो ये निकाला था ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे काट ले रही हूँ। इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीसेस में इसे काट लेना है। इस तरीके से सारे छोटे छोटे पीसेस में से मैं काट ले रही हूँ। अब मैंने जो प्याज फ्राई करके रखा था इसे मैं इसका पेस्ट बना ले रही हूँ। ये ठंडे हो चुके हैं, मैं इसे पेस्ट बना के मसाले में ऐड करूँ। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं किया है, बस इसे दरदरा मैंने कर लिया है। इन सारे चीज़ों को मैं इस मसालों में साथ में डाल दे रही हूँ। ऐसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। साथ में मैं ये जो टमाटर का प्यूरी मैंने बनाया है इसे भी मैं ऐसे में डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ सूखे मसाले यूज करूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, जिससे कलर बहुत ही अच्छा खिल के आएगा, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इन सारे चीज़ों को डाल के हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से पका लेना है। मसाले इसमें पक रहे हैं तब तक मैं इधर मैंने एक पैन गर्म कर लिया है और इसमें मैं रिफाइंड डाल के या फिर आप जो भी ऑयल यूज करते हैं उसे डाल के गट्ठे को मैं फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें रिफाइंड डाल रही हूँ। हमारे बिल्कुल गर्म हो चुका है और मैं एक एक करके इसमें गट्ठे डाल रही हूँ। ऐसे आप एक एक करके मैं गट्ठे सारे ज़्यादा इसमें डालूंगी। ऐसे ज़्यादा गट्ठे को फ्राई नहीं करना है, बस 2 सेकेंड के लिए इसे मैं डालूंगी और निकाल लूँगी। अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो गट्ठे हार्ड हो जाते हैं, इसीलिए जब इसे फ्राई कर रहे हैं तो ज़्यादा इसे फ्राई ना करें। बस 2 सेकेंड के लिए इसे डालना है और निकाल लेना है। तब तक मैंने इन मसालों में टमाटर यूज़ किया है, इसलिए मैं अगर आपके पास आमचूर का पाउडर हो तो इसमें आप थोड़ा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ही आमचूर पाउडर इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें टेस्ट खट्टेपन का टेस्ट आ जाए। आप देख सकते हो मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है, देखिए इसमें आपसे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये हमारा मसाला बिल्कुल पक गया है। अब मैं इसे पलट लूँगी और दोनों साइड से अलग पलट के इसे पका लेना है। बस ये पक चुका है, हमें बस इतना ही पकाना है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा आप इसे पकाए नहीं। देखते हैं पक चुका है, बाकी सारे गट्ठे मैं लगा दे रही हूँ। मसाले भी हमारे रेडी हो चुके हैं। मसालों से तेल निकलने लगा है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए अपनी
अपने हिसाब से आप इसमें पानी कम या ज्यादा डाल सकते हैं। जब बॉईल हो जाएंगे तब मैं इसमें गट्ठे डाल दूंगी। ये भी हमारे गट्ठे फ्राई हो चुके हैं, सारे गट्ठों को मैं निकाल दे रही हूँ। ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ग्रेवी पक चुकी है। अब मैं इसमें गट्ठे डालने वाली हूँ। इस तरीके से इसमें गट्ठे डाल दें, मैंने सारे गट्ठे इसमें डाल दिए हैं। अब बस मैं इसमें 2 से 4 मिनट इसे पका के मैं इसका गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूँगी। आपकी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी और सुपर टेस्टी बेसन के गट्ठे की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से आप एक बार मटके में सब्जी ज़रूर बनाएं और इसे खा कर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताएं, और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको मैं ये भी दिखा दे रही हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। इस तरीके से मैं चम्मच से काट के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ये सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही आसानी से कट जा रहे हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।